ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये दूसरों के सामने तेरे को अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार करने वाले हो जाए पिता। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आने जा रहा है मेरे पियो। हालेलुया मेरे पियो। हम जब मसीह में आते हैं, यीशु मसीह में हम जानते हैं उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तो हमें अपने मन से उसको स्वीकार करना है और मनुष्यों के सामने भी उसको हमें स्वीकार करना, उसको हमें अपनाना है। लेकिन बहुत से भाई बहन लोग अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं चर्च में, घर में, लेकिन जब वो घर से चर्च से बाहर निकलते कहीं और जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर देते हैं। किस प्रकार स्वीकार करते हैं हम आगे जानेंगे। हम देखते हैं मत्ती के 10वें अध्याय के उसके 32 पद में लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है मेरे पियो, यहां कहता है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया मैं पियो। बहुत से लोग अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं और कहीं जाते हैं अपने स्कूल कॉलेज या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों के या फिर ऑफिस में कहीं जाते हैं तो वहाँ पास लोग उनसे सवाल करते हैं, क्या तू क्रिश्चियन बन गया है, क्या तू चर्च जाता है, क्या तू अब मसीह में आ गया है। तो वहाँ पास वो लोग यीशु मसीह को बहुत से लोग इनकार कर देते हैं कि वो कहीं उनका जो इज्जत है वो कम ना हो जाए और उनसे लोग नफरत ना करने लगे, उनको चिढ़ाने ना लगे। लेकिन मेरे पियो, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर लिए हैं तो आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आपको सम्मानित होने की आवश्यकता है। हमें उन जगहों में हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है कि हाँ मैंने अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, क्योंकि वही एक पृथ्वी पर है जो मनुष्यों के पापों को क्षमा दे सकता है। उन व्यक्तियों के सामने हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अस्वीकार नहीं करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैं बस ऐसे टाइम पास के लिए जाता हूँ, मैं ऐसे ही बाइबल पढ़ता हूँ, ऐसे ही मैं चर्च चला जाता हूँ समय मिलने पर। वो क्या हुआ, वो उस समय अपने मुंह से उनको अस्वीकार कर दिए। तो यहाँ पास वचन क्या कहता है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। यानी कि जब न्याय होगा उस समय पिता सिंहासन में बैठेगा और यीशु मसीह हमारे वकालत करेगा, तब सवाल किया जाएगा परमेश्वर के तरफ से, क्या तुम इनको जानते हैं। तो उस समय यीशु मसीह कहेगा नहीं परमेश्वर मैं इनको नहीं जानता। तब आप कहेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह मैं चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, आराधना करता था, भेंट दान देता था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझको नहीं जानते। तब वो आपको याद दिलाएगा कि वो दिन याद कर जिस समय जिस जगह में इस दिन इस टाइम में तू मेरा अस्वीकार किया था, इस व्यक्ति के सामने इस जगह इस दिन इस साल में तू मेरा इनकार किया था। हालेलुया मैं पियो, अगर आप ये गलती किए हैं तो आज ही समय है घुटनों पे आकर उन गलतियों के लिए प्रभु यीशु से माफ़ी मांगे और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो आपको उस गलती के लिए माफ़ करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा और पिता के सामने वो आपका मान लेगा, वो इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। और अगले पद में कहता है, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। यहां वचन क्या कहता है मेरे पियो, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। उस समय जब न्याय होगा उस समय यीशु मसीह आपको मान लेगा कि हाँ यह मेरा जन है, ये मेरा आराधना स्तुति करता था, मनुष्य के सामने मुझे यह स्वीकार कर लिया था। लेकिन अगर आप दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किए हैं तब वहां सवाल करेंगे परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह से, क्या तुमको जानता है। तब पुत्र यीशु मसीह कहेगा नहीं प्रभु मैं इनको नहीं जानता है। तब आप बोलेंगे नहीं प्रभु मैं चर्च जाता प्रार्थना करता आराधना करता था, फिर आप ये कैसे कह सकते कि मैं नहीं जानता था। तब वो आपको बताएगा कि इस दिन इस गांव इस शहर इस जगह में तूने मेरा इनकार किया था। हम मसीह में आते हैं तो हम उसके वचनों को हम पकड़े रहना है।
यहां कहता है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इंकार करेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने इंकार करूंगा। वो मनुष्यों के सामने वो व्यक्ति क्यों इंकार करता है? कि कहीं लोग उसको कुछ भला बुरा ना कहें, उनको चिढ़ाएं मत कि ये क्रिश्चियन बन गया, चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, अब ये क्रिश्चियन बन गया, मसीह बन गया। वो भिन्न भिन्न प्रकार के आपको अपनी बातों से चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस समय प्रभु मसीह पर विश्वास करते हुए उन सारे बातों को अपने दिमाग से निकालना है। हमें उनकी बातों को सुनना नहीं बल्कि उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताना है कि आप भी आइए चल के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या किया है, उसके अद्भुत कार्य चमत्कार को देखिए तो आप जानेंगे और आप भी अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। हालेलुया। जब हम अगले पद में पढ़ते हैं यहाँ पास 37 पद में, तो वहाँ पास लिखा है जो कोई माता या पिता मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस मेरे पीछे ना लेके चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमें क्या करना है मेरे पियो? हमें यीशु मसीह पर हर समय हर एक परिस्थितियों में हमें विश्वास रखना है। वो हर एक समस्याओं से निकालने में सक्षम है। समस्याएं हमारे विपरीत क्यों ना हो हमें निकाल कर ऊंचे चट्टान पर पहुंचाएगा। केवल हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर विश्वास रखना है। अगर यीशु मसीह को जानने के कारण आपके ऊपर सताया आता है, आपके ऊपर ताड़ना पड़ती है, तो आप धन्य हैं कि आपने यीशु मसीह में आने के कारण आप पे ऊपर सताव आया, आप उसके कान दुख उठा रहे हैं, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। धरती की पृथ्वी की सभी जो यहाँ चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाएगी, लेकिन हम स्वर्ग राज्य में हम परमेश्वर के साथ वारिस होंगे, उसके साथ हम घूमेंगे और फिरेंगे। हालेलुया। तो हम अपना अगर हम प्राण यीशु मसीह के जाने का त्यागते हैं, हम उसके खातिर सताव सहते हैं, हम ताड़ना सहते हैं, भिन्न प्रकार की बातों को हम सुनते हैं मसीह में आने के कारण, तो हम क्या हैं? हम धन्य हैं। हालेलुया। धन्य हो जब यीशु मसीह को जाने का तुम पे सताया जाए, तुमको ताड़ना दी जाए, तो आप धन्य व्यक्ति हैं। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, इस समय के लिए कि तूने मुझे अपने राज के लिए चुन लिया है। हम हर एक बातों में हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले के धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। तो हमें इस पृथ्वी पर रहते समय क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन का उद्धार करता भी स्वीकार करना है और मनुष्यों के सामने भी उसको स्वीकार करना है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है जो व्यक्ति अपने जीवन को उद्धार करता स्वीकार करता है, वो बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, यीशु मसीह गाना सुनता है, तो उसको कहीं ना कहीं से दो बातें सुनने को मिलता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में, कहीं भी हो, उसको दो बात सुनना पड़ता है। लेकिन उस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण वो बातें आपको सुनाई जा रही है। उस बात के लिए आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये दूसरों के सामने तेरे को अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार करने वाले हो जाए पिता। ये अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए और दूसरों के सामने भी ये तुझको मानने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि स्वर्ग जगह में जब हमारे न्याय हो पिता, तू भी अपने पिता के सामने हमें मान ले। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों में चलने में इनकी सहायता प्रदान कर, यही प्रार्थना करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन।
हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।